हरियाणा सरकार ने ये ऐलान किया था कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। उसी हिसाब से हर अनाज मंडी में किसानों की फसल खरीदी जा रही है, लेकिन किसानों का आरोप है कि मंडी में धान आ रहा है, लेकिन उन्हें समस्या शेलर वालों से है। वे नमी के नाम पर पैसे काट रहे हैं। मंडी में फसल देकर जा रहे किसान गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उन्हें सबसे बड़ी परेशानी शेलर वालों से है, जो नमी के नाम पर है, क्योंकि वे 17 से थोड़ा भी ज्यादा नमी आ रही है तो भी ये 150 से 300 रुपए क्विंटल के हिसाब से पैसे काट रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार के नियम अनुसार 17 नमी भी आती है तब भी कलर की समस्या बताकर ये पैसे काट रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। जी, कौन से काम? मेरा घसीटपुरा जी। क्या कहना चाहेंगे, मंडी में धान लेकर आए, क्या क्या समस्याओं का सामना करना? सर, मंडी में धान आ रहा है, हो रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत सेलर वालों की है। ये सेलर अगर मॉस्चर 17-18 मॉस्चर आ रहा है तब भी 200 रुपये 150 रुपये अपनी मर्जी काट काट रहे हैं। 18-20 का मॉस्चर है 350 रुपये काट, 1900 रुपये 1800-1900 रुपये का रेट दे रहे हैं। और अगर 17 का आ रहा है तो पूरा दे रहे हैं पेमेंट? तब भी कुछ नहीं है, तब वो कह रहे हैं इसकी जो माले निखारत है ये इस पे काट लगा रहे हैं। माले पूरा रेट कहीं नहीं दे रहे हैं, वो भी अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं कि ये इसका रंग ऐसा है, इसका रंग ऐसा है। तो मंडी प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रहा? इसमें कुछ नहीं सर, सबकी यही प्रॉब्लम है। सबने बोल लिया, वो कह रहे हम नहीं कुछ कह सकते, अपना ना बेचो, आप अपना ना सेल करो, तो ना सेल नहीं करेंगे तो ले जाएंगे कहाँ उसको। कितना नुकसान हुआ होगा किसानों का? सर, नुकसान क्विंटल पीछे 250-300 रुपये का नुकसान है, हर क्विंटल पीछे, हर उसको 200 रुपये की तो काट लगी रही है। पेमेंट तो आ रही है, पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही है कि पेमेंट पूरी आनी चाहिए ना। जो अपना जिम्मेदार ने खर्चा करा है, सब कुछ है, अगर वही नहीं उसको मिल रहा तो फायदा क्या? इतना खर्चा, 6 महीने की फसल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है बस। हरभक्त सिंह। हेलो जी, कौन से काम से? छोटा कोट कछुआ। फसल लेकर आए, क्या कुछ समस्या आई है? बस थोड़ा टाइम तो लगा, मॉइस्चर का वैसे तो कोई समस्या नहीं। क्या प्रॉब्लम आई मॉइस्चर को लेकर? जब पीट थी मंडी में ज्यादा पीट होने करका फिर तेरिया छिद्री हुई, कम छिद्री हुई ना, उस करका फिर चक्कर पड़ा थोड़ा सा। कितना मॉइस्चर मांग रहे हैं और कितना था? 17 मांग रहे हैं। पूरा आ गया आपका? हाँ, हो गया 17। कोई काट कूट भी की है कोई? ना, 17 मॉइस्चर में कोई काट नहीं। पेमेंट वेमेंट ठीक आ गई खाते में? पेमेंट वाली एक ट्रैली की आई है, एक की आवागी, एक ट्रैली और पड़ी है, एक उरा गिर दी है। कोई परेशानी नहीं? परेशानी और तो कोई नहीं है, परेशानी पहले हो गई थी, पीट थी ज़्यादा, कहीं कई दिन लगे घर, 4-4 दिन भी लगे। और पानी पानी ठीक है? पानी कौन सा नहाना पीने वास्ता चाहिए, हवा पानी काटते थे, चल ठीक है। वहीं मंडी सचिव नीरज भारद्वाज का कहना है कि अभी तक अंबाला कैंट की मंडी में 347,560 क्विंटल धान की आवक हुई है और इसमें 324,000 से ज्यादा की खरीद हो चुकी है और 272,000 क्विंटल का उठान भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब कोई समस्या नहीं है क्योंकि उठान अब तेजी से हो रहा है और किसानों की पेमेंट भी उनके खाते में जा रही है। अभी तक अनाज मंडी वाला कैंट में 347,560 क्विंटल की आवक हो चुकी है जिसमें से 324,400 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है और 272,000 क्विंटल का उठान हो चुका है, जो 83% कह सकते हैं कि 83% उठान मान्य कर दिया गया एजेंसी के द्वारा। 5600 गेट पास कर चुके हैं, 5650 के आसपास गेट पास कर चुके हैं फार्मर के, बाकी अब कोई समस्या नहीं है, उठान तेजी से हो रहा है और ये मैंने पहले भी कहा था अभी मंडी शीघ्र ही खाली हो जाएगी। इसी के आपको पेमेंट की जो फार्मर की पेमेंट है उसके खाते में सीधी जा रही है, जिसका उठान हो रहा है तो उसकी जो पेमेंट है वो 24 से 72 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में पहुँच रही है। तो बिल्कुल कोई काट नहीं की जा रही, मेरे पास कोई भी कंप्लेंट नहीं आई अभी। एक आधा फार्मर मेरे पास आया था पर उस वो कह रहा था कि मेरा मॉइस्चर का इशू था उसका, कोई उसका सब शॉर्ट आउट कर दिया गया था, तो कोई भी मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं है कि काट की जा रही है, कोई कंप्लेंट नहीं आई वैसा अभी तक कि भाई ऐसा कोई है। फार्मर की पूरी पेमेंट 2320 रुपये जो पैडी का MSP है पूरा जो है वो फार्मर के अकाउंट में जा रहा है, 345,000 से ऊपर आ चुका है। तो अभी और उम्मीद करता हूँ कि 15 से 20,000 क्विंटल और आ सकता है, 360 से 365 के आसपास के आ सकता है।